पिछले कुछ टाइम में एक्सबॉक्स ने काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र दिए हैं और सबसे पॉपुलर ऑफ़र रहा है 50 रुपीज़ में 3 महीने वाला। और रिसेंटली आरबीआई की न्यू पॉलिसी के चलते हुए लगभग 500 रुपये में आपको एक्सबॉक्स गेम पास मिल रहा है लगभग 8 महीनों के लिए। मतलब आपको लगभग 50 या 60 रुपीज़ के अराउंड पे करने पड़ेंगे और आपके पास एक्सेस आ जाएगा एक्सबॉक्स गेम पास का अगले 8 महीनों के लिए। लेकिन मेजर क्वेश्चन हमेशा एक ही रहा है, उसके बाद क्या? ये मेरा अकाउंट है जहाँ पर मैंने क्रंची रोल वाला अपना कोड यूज किया था, इसकी हेल्प के साथ मुझे 3 महीने के लिए एक्सबॉक्स गेम पास मिला था। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो ये गेम पास मुझे फ्री में मिला है। और आप देख सकते हो कि ये पास अभी 26 नवंबर को खत्म होने वाला है। इसके पहले भी मैंने अपना एक अकाउंट परचेज कर रखा था जहां पर मैंने इससे थोड़ी सी ज्यादा गेम्स खेली थी। यहां पर मैंने इतनी गेम्स नहीं खेली, मतलब ये पास मेरा एवं ही गया है। यहां पर आप देख सकते हो कि मार्वल्स अवेंजर डूम इटर्नल एंड साइकोनॉट्स मैंने सिर्फ 3% ही खेली है और यही गेम्स बेसिकली मैंने इस अकाउंट में खेली है। तो ये प्रॉब्लम रहती है जब ऑफर आता है, बिकॉज ये जितने भी ऑफर होते हैं वो हमेशा नए अकाउंट के लिए होते हैं। नया अकाउंट होगा तो आपके पास जो सेव गेम्स होंगी वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मतलब जो ये मार्वल्स अवेंजर है, मैं ये किसी और अकाउंट के साथ लिंक नहीं कर सकता किसी भी हिसाब से। ये जितनी भी मेरी अचीवमेंट है, ये जितनी भी मेरी सेव गेम है, ये इसी अकाउंट के साथ लिंक रहेगी। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे मुझे इसी अकाउंट में ये गेम बार बार खेलने को मिल जाए और मुझे पे भी ना करना पड़े, पे मतलब मुझे इस अकाउंट में ना पे करना पड़े लेकिन मैं किसी और अकाउंट में पे कर रहा हूँ, ऑफर क्लेम कर रहे हैं लेकिन हम इसी अकाउंट को कैरी कर रहे हैं, ये सुनने में वैसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो एक्सप्लॉइट हम एक्सप्लॉइट करने वाले हैं, ये एक्सप्लॉइट को एक्सप्लोर पहले हमने नहीं किया, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है। हम जस्ट इसे इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। अगर आप YouTube पर जाकर एक्सबॉक्स एक्सप्लॉइट सर्च करोगे तो सबसे पहले जिसकी वीडियोस आएंगी वो है द स्पिफिंग ब्रिट, और वो चैनल ऐसे ही टॉपिक्स कवर करता है। सो मेक श्योर आप उनका चैनल जाकर एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। और थैंक्स टू आदित्य जिसने मुझे ये ट्रिक अपने टेलीग्राम ग्रुप पर बताई कि भाई ऐसी ट्रिक भी एग्जिस्ट करती है, बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं था। अभी बात कर लेते हैं इस ट्रिक के बारे में। बेसिकली इस ट्रिक में होता क्या है, आप एक अकाउंट से एक्सबॉक्स का गेम पास खरीदते हो और एक पीसी में वहां से गेम डाउनलोड करते हो, और आपके पास एक दूसरा अकाउंट है जिसमें एक्सबॉक्स गेम पास नहीं है। लेकिन जब आप इस वाले अकाउंट से साइन आउट करके अपना दूसरा अकाउंट जिसमें कोई भी गेम नहीं है उसे साइन इन करते हो तो आपको उन गेम्स का एक्सेस मिल जाता है, क्योंकि आपने सेम पीसी में ही दोनों अकाउंट ओपन किए हैं। इसका मतलब जिसके पास एक्सबॉक्स गेम पास है भी नहीं वो भी वो गेम्स खेल सकता है, अगर आप जस्ट किसी का अकाउंट बोरो कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्सबॉक्स का अकाउंट किसी का ले लेते हो, फ्रेंड चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, तो आप अभी एक बार अपने पीसी में उसका अकाउंट एक्सेस करो, उनकी गेम्स डाउनलोड करो और अपने अकाउंट से साइन इन कर लो, तो आपके पास उन गेम्स का एक्सेस आ जाएगा जो शायद आपको पास खरीद के मिलेगा। ये मेरा अकाउंट एक्सपायर होने वाला है, इस अकाउंट का गेम पास एक्सपायर होने वाला है 26 नवंबर को। इससे पहले मेरे पास एक ऑलरेडी अकाउंट था जिसमें मैंने बेसिकली ज़्यादा गेम्स खेल रखी हैं, उसमें मैंने गेम खेल रखी है नियर ऑटोमेटा। इस अकाउंट में मैंने खेल रखी है मार्वल्स अवेंजर और एलन वेक, बेसिकली मैंने इन किसी भी अकाउंट में नहीं खेली, तो ये बिल्कुल ही नई गेम है। तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखने वाले हैं कि क्या जो हमारी मार्वल्स अवेंजर की प्रोग्रेस है वो किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाती है। दूसरे नंबर पर हम ये देखने वाले हैं कि अभी जैसे ये यहाँ पर मैंने विंडोज 11 करी थी तो ये बिल्कुल ही एक फ्रेश पीसी है, तो क्या एक्सबॉक्स में जो क्लाउड सेव काम करता है जो कि मेरे दूसरे अकाउंट के साथ लिंक है, बिकॉज मैंने ये नियर ऑटोमेटा अपने दूसरे अकाउंट के साथ जहां पर अभी एक्सबॉक्स गेम पास नहीं है उसमें जो क्लाउड सेव है वो काम कर जाएगा इस ट्रिक के चलते हुए। मतलब मैं गेम वहीं से शुरू करूंगा जहां पर मैंने उस अकाउंट में खेल कर रखी हुई थी। और तीसरा, क्या हमें एक अकाउंट में पहले गेम खेलनी पड़ेगी, मतलब जो स्पिफिंग ब्रिट ने बताया था उसके बाद ही हमें उस अकाउंट में एक्सेस मिलेगा जहां पर गेम पास नहीं है। तो ये मेन तीन चीज़ें हैं और इन्हीं तीन चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। तो अभी फिलहाल मैंने इस अकाउंट की हेल्प से जहां पर मेरे पास गेम पास है ये गेम्स डाउनलोड कर ली हैं, और इस अकाउंट में आप देख सकते हो मार्वल्स अवेंजर 18% मैंने कंप्लीट कर रखी है। यहां पर आप नोटिस कर लो एपेक्स इज लाइव इसका गेमर टैग है और
और ये गेम मैंने इस अकाउंट के साथ 28% कंप्लीट करी है और ये क्लाउड सेव के हिसाब से सेव हुई है, तो मतलब क्लाउड सेव यहाँ पर काम कर रहा है। सो ये वो अकाउंट है जिसमें बेसिकली मैंने मार्वल्स एवेंजर नहीं खेल रखी। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो एक्सबॉक्स गेम पास का कोई सब्सक्रिप्शन मेरे पास नहीं है इस अकाउंट में, और यहाँ पर मैंने सिर्फ नियर ऑटोमेटा गेम खेली थी। तो हम ये देखेंगे बेसिकली कि क्या मार्वल एवेंजर्स की जो सेव गेम है वो कैरी फॉरवर्ड होती है किसी अलग अकाउंट के साथ। तो यहाँ पर आपको गेमर टैग दिख गया होगा एपेक्स मार्वल, जो कि अलग है, और अगर हम ऑपरेशन में जाकर देखेंगे तो जो मेरी सेव गेम है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई, मतलब इस अकाउंट के साथ हमें फिर से शुरू करना पड़ेगा। और यही मेन प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप फेस करोगे अगर आप मल्टीपल अकाउंट से कोई नया ऑफर लाओगे। लेकिन अभी इस अकाउंट में मैंने नियर ऑटोमेटा गेम खेल रखी थी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इस अकाउंट में काफी पहले नियर ऑटोमेटा गेम खेली थी, 6% ये गेम मैंने कम्प्लीट करी है। यहाँ पर गेम पास नहीं है तो मेरे पास एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन आ चुका है कंटिन्यू, क्या मतलब कि यहाँ पर एक सेव डेटा तो है, ठीक है, और ये आप देख सकते हो कि मैंने ये गेम जुलाई में खेली है और इस अकाउंट में अभी गेम पास नहीं है और मैं वहीं से ये गेम कंटिन्यू कर सकता हूँ। अभी लास्ट में आ जाता था कि हमें गेम खेलनी पड़ेगी किसी अकाउंट में, मतलब जिसमें गेम पास है, इसमें एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर एलन वेक पड़ी है, ये मैंने आपको दिखाया कि मैंने उस अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं खेली। तो क्या हम इस गेम को भी खेल सकते हैं? जस्ट मैंने उसमें उसकी हेल्प के साथ डाउनलोड कर ली थी। तो इसका आंसर भी है यस, हम ये गेम यहाँ पर खेल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ, और ये गेम ओपन हो चुकी है। अगर आप प्ले करना चाहो प्ले कर सकते हो, जो मर्जी करना चाहो आप वो कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस वाले अकाउंट में मेरे पास गेम पास नहीं है। और लास्ट में उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि आपको अल्टीमेट पास वगैरह खरीदना पड़ेगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जितनी भी वीडियो बन रही है, जितने भी पास के ऊपर ये वीडियो बन रही है, वो नॉर्मल पास है। यहाँ पर मैंने अल्टीमेट पास नहीं खरीद रखा, ये बेसिक पास है पीसी के लिए। और ऐसा करके आप अपने एक अकाउंट के साथ ही सारी की सारी प्रोग्रेस, सारी की सारी सेव गेम लिंक कर सकते हो, और ये एक काफ़ी बड़ा काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट भी हमेशा नए अकाउंट्स के ऊपर अपना ऑफर लेकर आता है, चाहे वो 50 रुपीज़ वाला हो, चाहे वो 8 मंथ वाला हो, जितने भी उसके ऑफर आते हैं वो हमेशा नए अकाउंट के लिए आते हैं, आपको नया अकाउंट बनाना पड़ता है। तो भाई ये है एक्सप्लॉइट जिसको हमने थोड़ा सा और एक्सप्लॉइट करके देख लिया। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बाद में शायद मुझे गेम पास खरीदने की जरूरत ना पड़े, अंटिल जब तक मुझे कोई और गेम डाउनलोड करने की जरूरत ना हो। मतलब ऑब्वियसली बात है, 3 महीने बाद अगर मैं सोचता हूं कि कोई गेम मैं डाउनलोड करूं पास के साथ, तो मुझे किसी और अकाउंट से डाउनलोड करनी पड़ेगी, बिकॉज यहां पर मैं डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं यहां पर जाऊं और मैं माइनक्राफ्ट डाउनलोड करने की कोशिश करूं तो मुझे आ जाएगा कि यार प्ले विद गेम पास, ऑब्वियसली बात है मैं यहां पर ये गेम जो है डाउनलोड नहीं कर सकता। सो उस पॉइंट पर आपको गेम पास खरीदना ही पड़ेगा। इन दी एंड एज अ ब्रांड एम्बेसडर मैं यही कहूंगा कि आप इस ट्रिक को बिल्कुल भी घर पर ट्राई मत करो, ये ट्रिक नहीं है, एक्सपर्ट है, हम एक्सपर्ट नहीं करते। तो एज अ ब्रांड एम्बेसडर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सही रास्ते पर भेजूं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा होता है मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, और ये भी बता देना कि ये एक्सप्लॉइट आपको कैसी लगी। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।